नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एन एकेडमी बैंक प्रो पर। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आई होप अच्छी होंगी। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और डेली की तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, आज सेशन थोड़ा सा जल्दी हमको लीव करना पड़ेगा क्योंकि आज 10 बजे एन एकेडमी कॉम्बेट है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी लीव कर देंगे जिससे कि आप लोग टेस्ट को दे सको। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए। 1000 पजल की बेहद इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है जिसमें कि 150+ पजल कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। कल तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पजल्स मैं इस बैच में करवाती हूँ। बिल्कुल SBI IBPS का PO लेवल रहता है, ठीक है। एग्जैक्टली हम लोग PO लेवल लेके चलते हैं इस क्लास के अंदर, तो आप लोग अच्छे से PO लेवल को फॉलो कर सकते हो। ओके, बात करें तो ये क्लास नंबर कौन सी है, तो ये आपकी क्लास नंबर 28 है। इससे पहले 27 क्लासेस में कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, आज आपकी 8 बजे की क्लास हो गई, 9 बजे की रनिंग है। 10:30 वाली क्लास आज 12:30 बजे होगी। क्यों? क्योंकि भाई आज आपका अनअकैडमी कॉम्बेट है 10 बजे, इस वजह से 11:30 आपकी सेम है। 12:30 मैंने बता दिया है, बाकी आपकी सारी की सारी क्लासेस एग्जैक्टली सेम है। गाइस एक बार मुझे बताओ जरा, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? मतलब वीडियो ऑडियो अच्छे से विजिबल है? यस, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, आज एक अनअकैडमी बैंक कॉम्बेट होने वाला है जिसमें आपको 5000 रुपए का अमेज़न वाउचर मिल सकता है, ठीक है। तो जो 100 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा कोड यूज करके एनरोल ना किया हो तो भाई जल्दी से जाना। 9:55 पे मैं क्लास छोड़ दूंगी। 9:55 पे क्लास लीव करने के बाद में सबसे पहले ये कॉम्बेट, पता नहीं यार मेरे फोन में ये सर्कल सर्कल ही घूम रहा है, पता नहीं मेरे उधर तो फोन में तो सब कुछ सही चल रहा है पर पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। कॉमेंट सेक्शन चल रहा है बट वीडियो नहीं चल रही है। मुझे लग रहा है आज ना क्या किया है, आज भी हमारे यहाँ दूसरा नेट नहीं आ रहा है, तो आज घर के सारे फोन एक ही नेट से कनेक्ट है, स्क्रीन भी लैपटॉप भी सारे फोन भी। चलो एनीवे, ठीक है, तो एनरोल कर लीजिएगा और कोड यूज करके अभी जाके एनरोल करना। अनअकैडमी कॉम्बेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 5000 लर्नर्स को अनअकैडमी की तरफ से अमेज़न वाउचर, 5000 रुपए का अमेज़न वाउचर मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे पजल नंबर 157। ये नहीं हुई है ना एवरीवन, एक बार देख लो क्योंकि लास्ट 157 थी कि 156 थी। बाकी मैं जरा टाइमर ले लूं। ओके, आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए स्टार्ट करेंगे। बाकी यश देखो आप मेरी क्लास लगाते रहो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। बात है कि पढ़ कर भी समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ में आएगा। ये क्या होता है, लाइट जलाते ही ऐसा लगता है कुछ गर्मी गर्मी हो गई है कमरे के अंदर। चलो देखो, 8 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं ये लोग, अलग अलग मंथ में, ठीक है। 2 डिफरेंट डेट्स की बात हो रही है, 21 और 26। सबसे पहले हम लोगों ने 21 और 26 नोट डाउन किया, बाकी हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे की बात की जा रही है, लाइक जून है हमारे पास में, जुलाई है हमारे पास में, अगस्त है हमारे पास और सितंबर है। अच्छा, अलग अलग कंपनीज में ये लोग काम कर रहे हैं ऐसा भी हमको यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ो, ई ने 21 सितंबर को ज्वाइन किया है इंफोसिस में, तो 21 सितंबर को ई है और जो की कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, इंफोसिस में। एफ ने अमेजोन में ज्वाइन किया है, लेकिन अब 30 डेज की बात हुई है तो जून होगा और सितंबर होगा। बोला गया है एफ ने अमेजोन में ज्वाइन किया है लेकिन 30 डेज में नहीं। अब देखो, सबसे पहले एफ अमेजोन है और ये 31 में होगा, तो इन दो जगह आपका, इन दो चार जगह एफ हो सकता है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ो, ए जस्ट बिफोर सी ज्वाइनिंग डेट। अब ध्यान देना यहाँ पर, इन्होंने बोला कि एच ने सी के एकदम पहले ज्वाइन किया है, ठीक है। डेट की बात हो रही है तो एच ने सी के एकदम पहले है। 3% बिटवीन ई एंड डी, तो 3 छोड़कर ये डी डिसाइड। एच और सी सैमसंग और गूगल है। अच्छा, एच सैमसंग है और गूगल है, और ये कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो पहले वाले के संग पहला जाएगा, दूसरे वाले के संग दूसरा जाएगा। ए जस्ट आफ्टर बी, ओके आपको पता है बी के एकदम बाद में ए है। सब्सक्राइब दोनों ने सेम मंथ में किया है, तो जरा बॉक्स में बंद करो, देखो जरा कौन सा महीना खाली है। अभी तो अगस्त भी खाली है और जून भी खाली है। आगे बढ़ेंगे, द वन हु ज्वाइन टीसीएस जस्ट बिफोर एचसीएल, टीसीएस वाला जो है वो एचसीएल के एकदम पहले होगा। और बोला गया है डज नॉट ज्वाइन इन सेम मंथ, सेम मंथ नहीं है तो बगल में नॉट इक्वल का साइन लगा लो, इससे आपको याद रहेगा कि ये सेम मंथ में नहीं है। 1% डी एंड सी, अब डी और सी के बीच एक है, क्या सी को यहाँ ले सकती हूँ, नहीं, फिर सी के ऊपर एच नहीं आएगा। सी आ गया और एच आ गया, ये सैमसंग हो गया, ये आपका गूगल हो गया, बचा क्या एफ, ये एफ हो गया, बचा क्या बी और ए, ये भी हो गया, ये डिसाइड। एफ है अमेजोन, ये भी डिसाइड। अब टीसीएस एचसीएल अलग अलग मंथ में है, ये टीसीएस हो गया, ये एचसीएल हो गया। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक तो सभी को काफी अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारे पास बचेगा कौन कौन बचा है, एक बचा है आईबीएम और एक बचा है विप्रो, जो कि चला जाएगा पॉसिबिलिटी में, क्योंकि कहीं भी आपको इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। और 1% बचेगा जी। क्लियर एवरीवन, आई होप क्लियर ही होगा। चलो 57 डन, पजल नंबर 158 ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। आज 9:55 तक क्लास लीव करेंगे, है ना।
चलिए सॉल्व करती हूँ, देखती है सिंपल पजल दिख रही है। टाइम तो नहीं हुआ है, अभी 10 सेकंड बचे हैं, हो जाने देते हैं। चलिए टाइम अप हो चुका है, लेट्स सी कि सबका ही आंसर आज सेम आ रहा है। काफी दिनों बाद इतने आंसर सेम आए हैं। देखो 8 फ्लोर है, लोअर मोस्ट 1 है, टॉप मोस्ट 8 है। आगे बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन पी एंड बी। अभी डायग्राम नहीं बनाओगे जब तक कि कुछ मिल नहीं जाता है। जब कुछ मिलेगा तो आप डायग्राम बनाने के बारे में सोचो। आगे डब्ल्यू वन ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एस। अच्छा, एस के एकदम नीचे डब्ल्यू है एंड पी लिट ऑन इमीडिएटली अबव टी और पी टी के एकदम ऊपर है। क्यू वन ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबव यू, क्यू यू के एकदम ऊपर है। W वन ऑफ द लोअर मोस्ट, ओके बहुत सही लाइन है यहाँ। W लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, जहाँ आपको लाइन चाहिए थी वहां हमको मिल गई। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत जो है यहाँ से कर सकते हैं, है कि नहीं एवरीवन? देखो आपको इन्होंने बोला कि W जो है लोअर मोस्ट पे है और P जो है टॉप मोस्ट पे है, तो आपने W और P दोनों को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया अच्छे से। जैसे P डिसाइड हुआ, T डिसाइड, W से S डिसाइड, P से 1 2 3 4 छोड़कर ये B डिसाइड। आगे बढ़ो, आगे द पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो यू, यू के एकदम नीचे भी नहीं है, मतलब यू यहाँ नहीं आएगा, तो Q और U डिसाइड और बचा क्या हमारे पास P Q R। सेवेंथ फ्लोर पे कौन रहता है? T क्लियर। चलिए बात करेंगे पजल नंबर 159 की ऑन योर स्क्रीन।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल्स का मतलब होता है एक के अंदर एक टेबल का होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, दो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल्स हैं, ठीक है। फोर इनर स्क्वायर में है, फोर आपके आउटर स्क्वायर में है। तो हमने यहाँ पे लिया कि डायग्राम कैसे बनेगा, एक स्क्वायर होगा, इसके अंदर ही आपका दूसरा स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम अभी दो डायग्राम बनाते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से दो स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या बोला गया इसके बाद में कि चार लोग, तो अच्छा एक बात और यहाँ पे बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। द पर्सन ऑन इनर टेबल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि अंदर वाले जो है वो बाहर की तरफ देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बना लिया यहाँ पर। और आगे आपको बोला गया है कि जो आउटर वाले वे हैं वो सेंटर की तरफ में देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आपका डायग्राम सभी का ऐसे ही बना होगा। बाकी आपको पहले बोल दिया गया था सारे के सारे कहाँ पर हैं, आउटर स्क्वायर पर है और इनर स्क्वायर पर है, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। हमारे पास में है कि फर्स्ट कंडीशन में कि जी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ और जी फेसेस डी, है ना। और इसके अलावा एक और एक क्लोजेस्ट साइड पर है, तो आप ये लोगे कि जी अगर डी को फेस करेगा तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, दो ही जगह जी और डी के लिए बनेगी। अब जी सेकंड टू द राइट है एफ के, तो अगर एफ के सेकंड राइट में है तो ये हमारा एफ डिसाइड हो गया। आगे बढ़ो, आगे बोला गया इसके बाद में हु इमीडिएट राइट ऑफ सी, हु मतलब कि डी, डी सी के इमीडिएट राइट में है, डी मतलब ये सी हो गया। आगे बढ़ो, एच इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, अभी अंदर वाली कंडीशन में आ सकता है ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच, यहाँ बाहर आ सकता है ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच दिस साइड। आगे आइए, आगे दे रखा है बी अपोजिट टू ई, है ना, हु फेसेस एच, मतलब कि एच को ई फेस करेगा, ये डिसाइड। और आगे बोला गया है हमको कि बी अपोजिट है सेम टेबल पे ई के, तो अगर ई के सेम टेबल पे बी आएगा तो ये बी डिसाइड, डायग्राम बन गया। अब गलत कौन सा है वो पता करेंगे। बी डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि बी बाहर की तरफ नहीं देखेगा, पॉसिबिलिटी गलत, पॉसिबिलिटी करेक्ट। क्लियर एवरीवन। तो इस टाइप की पजल्स आजकल काफी पूछी जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग पॉइंट है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभी तक हमारी 159 हो गई, पजल नंबर 160 ऑन योर स्क्रीन। नहीं योगेश, मैं संडे को ऐसे कोई छुट्टी नहीं लेती, जब मुझे कुछ काम पड़ता है तो मैं छुट्टी कर देती हूँ।
चलिए एवरीवन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके सॉल्व होगा। बाकी आंसर्स तो अभी नहीं आए हैं, लेट्स सी। मैं देख लूंगी मिडिल ऑफ द स्मोक क्वेश्चन। ओके, सात लोग हैं यहाँ पर, ये लोग अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं या जाते हैं, जा रहे हैं, ये 7 days of week, संडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे पे एंड हो रहा है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। चलो आगे बढ़ेंगे। पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला है, जी गोज टू ऑफिस वन ऑफ द डे बिटवीन पीपल बायजू एंड इन्फोट्री। ओके, तो इन्फोट्री और बायजू के बीच में कोई एक पर्सन है जो कि क्या है, जी, ठीक है। वन ऑफ द डेज बोला गया है, मतलब कि कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ो, बी गोज क्यूरियो वन डे बिफोर ए। अब देखो, अगर बी क्यूरियो जा रहा है तो आपको इन्होंने वन डे बिफोर बोला। अब एक बात बताओ, वन डे बिफोर का मतलब क्या होगा, गैप होगा, आपके बगल बगल में होंगे, गैप मत बनाना। वन डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले, मतलब आज के लिए कल का यूज करेंगे। ए गोज टू ऑफिस बिफोर डी। ओके, ए जो है वो डी के पहले जाएगा और डी के लिए बोल दिया गया है फ्रीज। आगे बढ़ो, द पर्सन गोइंग टू ऑफिस जस्ट बिफोर बी डज नॉट इनोरा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो हमने ले लिया द पर्सन जस्ट बिफोर बी, बी के एकदम पहले वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ए गोज टू ऑफिस वन डे बिफोर जी, तो इसका मतलब है ए और जी इस तरीके से आएंगे। बायजू विजिटेड वेडनेसडे, ओके, बायजू के बारे में पता लग गया, वेडनेसडे को है। इन्फोट्री विजिटेड फ्राइडे, बहुत सही है यार, इन्फोट्री फ्राइडे। अब बायजू इन्फोट्री के बीच में जी आना था, एक ही जगह है, डिसाइड हो गया। जी के पहले ए आना है, ए के पहले बी आना है और बी की कंपनी भी डिसाइड है, ये पूरा का पूरा डन हो गया। आगे आपको पता है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, ये दोनों फर्स्ट टू डेज में आएंगे, मतलब कि यहाँ पर अब आपको पता है कि इनोरा वीक के एकदम पहले नहीं है, तो ये डिसाइड। और इसके अलावा बोला गया था इन्फो गेन, ठीक है, ये इन्फो गेन हो गया, तो ये भी डन। अब डी फ्रीज बचा, ये डी फ्रीज भी हो गया डन, ये भी डन। आगे बढ़ो, आगे बोला गया सी और ई आफ्टर आफ्टर द अदर स्टार्टिंग विद सी। अच्छा, आपको यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पर देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, समझने लायक जगह लाइन थी। सी और ई गो वन आफ्टर द अदर, मतलब कि एक के बाद एक जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो हो रही है वो सी से हो रही है, मतलब कि सी के एकदम बाद में कौन आएगा, सी के एकदम बाद में आपका ई आएगा, ठीक है। तो हमको एक ही जगह दिखनी है और ये बचेगा हमारे पास में है, और हमारे पास में अब क्या बचा हुआ है, एक और देखे ई बचा क्या है हमारे पास में, एक कंडीशन, मतलब एक वो कंपनी कौन सी बची है, इन्फो ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो डन, अब जी कहाँ जाता है, इन्फो ऑब्जेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, पजल नंबर 161 ऑन योर स्क्रीन। बाकी का टारगेट भी कॉम्प्लीट दे लेना आज का, ठीक है।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग भी अभी आए हैं, चलो सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, एक लीनियर रो में है, नॉर्थ फेसिंग है। सबसे पहले आपने एक रो बना ली यहाँ पर, ठीक है। आगे E फोर टू द राइट ऑफ N, N के बोथ राइट पे E है, मतलब कि बीच में कितने हो गए, तीन हो गए। Only two between E and S, अब बोला गया है E और S के बीच में दो का गैप है। Six between S and U, अब बोला गया है S और U के बीच में छह है। S left of U, ये तो बेहतरीन लाइन मिल गई, मतलब कि ये कुछ आपका इस तरीके से जाएगा, है ना, क्योंकि S left में है U के। N exactly middle में है S और M के, और M किसी end में है, मतलब कि S और M के बिल्कुल बीचों बीच में L है और M किसी end में होगा। आगे बढ़ो, the number of person between M and L, मतलब कि M और L के बीच के लोग जो होंगे वो U और V से वन मोर देन, मतलब कि एक ज्यादा होगा। T exactly between U and V, अब U और V के बीच और बीच में T है। The number of person left of L, same right of V, L के left के V के right के equal होंगे। अब I think हमको diagram बना लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब हमको condition थोड़ी बहुत मिली गई है ना, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं। देखो कैसे, आपको एक बात क्लियरली पता है, यहाँ पर L और E किसी से स्टार्ट करो, बाकी बहुत क्लियर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल L और E हो गया डिसाइड, ठीक है। एक मिनट रुको, एक तो ये ना पूरा रफ हो जाता है। हाँ, हमने यहाँ पे लिया L और E, ये हो गया आपका डिसाइड। आगे बढ़ो, E और S के बीच दो है, यहाँ हो जाएगा या फिर S यहाँ हो जाएगा, ये वाली लाइन भी डन हो गई। आगे आपको बोला गया है कि S से छह छोड़कर U है, 1 2 3 4 5 6 U एंड 1 2 3 4 5 6 ये U, तो ये वाली लाइन भी डिसाइड। अब बोला गया है L से S की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका M, और M एंड में है बॉक्स वन। S से L की दूरी एक ही है, तो ये हो जाएगा M और ये हो गया बॉक्स वन, मतलब कि M और S के बीच में ऐसा भी है। अब L के लेफ्ट में जीरो, अब रुक जाओ अभी फिलहाल, आगे बढ़ो। आगे आपको बोला गया है M और L के बीच जितने भी हैं U और V से एक ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 6 है, मतलब U और V के बीच 5 होंगे, तो इधर तो हो नहीं सकता, अभी रुक जाओ, U और V के बीच 5 हो जाएंगे। आगे बढ़ो, उधर S और L के बीच में, M और L के बीच में जीरो है, भाई जीरो तो किसी से ज्यादा होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी हो गई गलत। आई होप कि सभी को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई L के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, तो V के राइट में भी 7 होंगे। रुको अभी थोड़ा आगे बढ़ो, आगे आपको क्या पता है नेक्स्ट कंडीशन में कि एच राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है, एच जो है वो राइट एंड में है बिल्कुल, और यू और एच नेबर नहीं है, मतलब कि यू के बगल में एच नहीं आएगा। देखो 1 2 3 4 5, या तो भी इधर आएगा 1 2 3 4 5, या फिर भी इधर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जैसे हमने यू भी बताया, ठीक है, एच वी के राइट में 7 आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ब्रेक लग जाएगा, और वी के राइट में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ ब्रेक लगेगा तो ये एच हो जाएगा, और यू और एच बगल बगल में आ नहीं सकते, ऐसा आपको बोल दिया है लास्ट लाइन में, तो इसका मतलब भी यहाँ नहीं आ सकता, ये सही है, ये हो जाएगा आपका एच बॉक्स। क्लियर एवरीवन, शानदार पजल थी, थोड़ी ज्यादा ही लॉन्ग हो गई है बस, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको समझ में ना आए। क्लियर, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, बाकी मेरा कर देती हूँ ऊपर का। डन, चलिए पजल नंबर 161 हो गई, पजल नंबर 162 ऑन योर स्क्रीन।
पहली बात तो बहुत रेयर चांसेस है माधव कि डेटा सफिशिएंसी फिल्म्स में आएगा, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है। बाकी आता भी है तो बहुत सिंपल आएगा, वही कम से कम 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। आज इनपुट आउटपुट करवाऊंगी 2020 में, कल हाफ करवा दिया है, आज हाफ जो है कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी अगर हम लोग बात करें और डेटा सफिशिएंसी की, तो पर डीएस रख लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 9 एम्प्लॉय है और बोला गया है एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। कुछ सेंटर में है, कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना एक शेप लेनी है यहाँ पर, कि आपकी शेप क्या ली जाएगी वो देखो। एक सर्कुलर टेबल लेना है। बाकी इन्होंने आपसे ये भी बोला हुआ है यहाँ पर कि 9 लोग हैं, ठीक है। तो लाइक ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। टोटल आपके पास में यहाँ पर 9 पर्सन दिए जा रहे हैं। ओके, पहली लाइन, W इमीडिएट लेफ्ट में है, टी के, W टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ओनली टू बिटवीन R एंड W, R W के बीच में 2 है, V एंड Q अपोजिट डायरेक्शन, नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, V और Q की डायरेक्शन अलग है और दोनों ही एक दूसरे के बगल बगल में भी नहीं है। इमीडिएट नेबर टी अपोजिट डायरेक्शन, ओके, टी के जो नेबर होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे आगे। पी वन ऑफ द नेबर ऑफ डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू का एक नेबर पी आएगा। यू थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में यू होगा, लेकिन बोला गया नॉट एडजेसेंट टू आर, लेकिन यू आर के बगल में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आगे है क्यू वन ऑफ द पोजिशन राइट ऑफ यू, यू के राइट पे कहीं पर क्यू होगा, एंड फेसेस सेम दैट ऑफ टी। अब क्यू और टी की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सेम हो जाएगी। ओनली वन एम्प्लॉय आर एंड टी, ये मिल गई बेहतरीन लाइन, आर और टी के बीच में 1 है, ठीक है। अब आप चाहो तो डायग्राम बना लो, क्योंकि आपको डायग्राम मिल गया है ऑलमोस्ट। एक बार टी को इनसाइड लोगे, एक बार टी को आउटसाइड लोगे। अब आपको बोला गया है टी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है और डब्ल्यू के बगल में पी है। नाउ यू नो कि आर और डब्ल्यू के बीच 2 है, 1 2, या तो यहाँ होगा 1 2 यहाँ होगा, बट टी और आर के बीच में भी आर है, 1 है। तो ये डिसाइड और ये हमारा ये डिसाइड। मैं आशा करती हूँ सभी को क्लियर है। अब पी के राइट में 2 छोड़कर आपका क्या आना है, यू आना है। अभी रुक जाओ जरा, फिलहाल हमारा ये कंफर्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। आगे हमारा आर और टी कंफर्म हो गया है और आगे हमारा आर और डब्ल्यू कंफर्म हो गया है। बाकी अभी हमारा कुछ भी ऐसा एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमको पता था यू आर के बगल में नहीं आएगा, तो 2 छोड़ के यहाँ यू नहीं आएगा, ये यू हो जाएगा। अब यहाँ नहीं आएगा, 2 छोड़ के ये हो जाएगा। अब पी के राइट में है तो आउटसाइड, ये हो जाएगा इनसाइड। तो कहीं ना कहीं आपकी ये वाली डायरेक्शन भी मतलब हो गया कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बोला गया है ओनली वन एम्प्लॉय बिटवीन आर एंड टी एंड स्पेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब कि वो जो आर और टी के बीच का एक इंसान है, एक पर्सन एम्प्लॉय है, वो टुवर्ड द सेंटर है, मतलब कि कहाँ देखेगा, पी और टी के बीच वाला, आर और टी के बीच वाला इनसाइड देखेगा। अब आपको बोला है इन्होंने टी के लेवर अपोजिट है आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी डन हो गई आपकी, ठीक है। बाकी हम बात करें तो हमारे पास में बस इतना भी हो गया है कंफर्म। आगे बढ़ो, एस एंड जेड इमीडिएट नेबर और इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन है, एस और जेड नेबर भी है और डायरेक्शन भी सेम है, ये भी डिसाइड हो गया, ओके। आगे देखेंगे इसके बाद में, बी इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में बी नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर, अभी रुक जाओ, अभी रुको, आगे बढ़ो जरा। जेड सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड राइट में जेड है, ठीक है, एज वेल एज पी, और बोला गया है क्यू के सेकेंड राइट में पी भी है, तो ये क्यू हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्योंकि क्यू के सेकेंड राइट में क्या आ जाएगा, क्यू के सेकेंड राइट में आपका पी आएगा। सेम यहाँ बात करें, क्यू के सेकेंड राइट में आपका पी आ जाएगा, आई होप। अच्छा पहले मुझे बताओ क्या हम सही बना रहे हैं, एक बार ही चेक करो। नहीं, एक मिनट,
ओ सॉरी 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 एवरीवन, एक गड़बड़ हो गई हमसे। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, आपको बोला गया है जेड क्यू के सेकंड राइट में है और पी के सेकंड राइट में जेड है, ना कि पी सेकंड राइट में क्यू के, मतलब जेड ही क्यू के सेकंड राइट में और जेड ही पी के सेकंड राइट में है। तो पी के सेकंड राइट में जेड ये हो जाएगा और जेड के बगल में एस आ जाएगा। ये हो गया हमारा ये वाली लाइन डन, बाकी ये वाली लाइन भी डन। अब Q के सेकंड राइट में Z है तो ये हो जाएगा हमारा Q के सेकंड राइट में Z भी डन, ये वाली लाइन भी डन। अब बचेगा हमारे पास में केवल और केवल V, तो ये हमने बना लिया यहाँ पर V, बाकी V Q के बगल में नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा है, ये भी डन। अब Q और T सेम डायरेक्शन है, बिल्कुल आ रहे हैं, ये भी डन। V अपोजिट है ना, मतलब कि V आपका यहाँ पे, अगर Q और T आउटसाइड है V इनसाइड होगा, ये तो सही है ये गलत, क्योंकि यहाँ पे T V और Q सेम डायरेक्शन हो गए हैं, ये भी आपका डन। आगे बढ़ो, आगे बोला गया है R के इमीडिएट राइट में V नहीं होगा, तो R के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, उसको बनाना ही पड़ेगा ना, ये भी डन। U के राइट में कहीं पे Q आना है तो इसका मतलब कि इनसाइड, ये भी डन। आगे बढ़े इसके बाद में, और आपको कुछ बोला गया था क्या? नहीं। अब आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है S और Z की, तो हम देखेंगे जरा S और Z की डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड हो रही है। टेल मी एवरीवन, S और Z की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है, कोई इमीडिएट नेबर वगैरह बोले हो? नहीं, एट लास्ट कहीं भी डिसाइड की होगी तो इतना ही सही है, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे डिसाइड हो या ना हो। क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर, ये आपकी और एस और जेड की डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो। चलो तो ये हमारी ये वाली पजल भी कंप्लीट हो गई 162, और ये आपकी आज की आखिरी पजल थी। आज का सेशन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, रीजन क्योंकि भाई आपका आज कॉम्बेट है। अब इसके फौरन बाद में आपको अनअकैडमी कॉम्बेट लगाना है, जिसपे आपको 5000 रुपए का अमेजोन वाउचर मिलने वाला है। मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज डीबीसी लाइव, ये कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हो। बाकी अब हम लोग मिलेंगे 11:30 बजे वापस से इसी चैनल पे, और कल का इनपुट आउटपुट कंप्लीट करें, ठीक है? चलो सो हाँ, क्यू और टी सेम ही आया है, ठीक है। मानो प्रैक्टिस करने पे हो जाता है, देखो पदर ऐसे नहीं है कि एक दो दिन में आ जाए, एक दो महीने में भी आ जाए, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी। चलो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सीरीज पसंद आई हो, बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।